हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिक्षा की बदौलत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े अश्विनी वैष्णव। रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज जन्मदिन है। अश्विनी वैष्णव एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जो वर्तमान में 8 जुलाई 2021 से भारत के रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत है। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य है। 28 जून 2019 से राज्यसभा ऊपरी सदन में ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद के भी सदस्य हैं। वो केंद्रीय मंत्री बने और उन्हें 7 जुलाई 2021 को रेल मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पद दिया गया। वो मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले में रानी के जीवंत कला गांव के रहने वाले हैं। बाद में उनका परिवार जोधपुर में बस गया। वैष्णव का जन्म 18 जुलाई 1970 में जोधपुर में बैरागी परिवार में हुआ। उन्होंने 1991 में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज JNVU जोधपुर राजस्थान से इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में स्वर्ण पदक के साथ स्नातक किया और फिर IIT कानपुर से टेक पूरा किया। 1994 में IAS की अखिल भारतीय रैंक 27 थी। 2008 में वैष्णव पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल से MBA करने अमेरिका चले गए। वैष्णव ने बालासोर और कटक जिलों में कलेक्टर के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2003 तक ओडिशा में काम किया, जब उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। PMO में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के बाद, जहां उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे को बनाने में योगदान दिया, वैष्णव को वाजपेयी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 2006 में मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बने, जहां उन्होंने अगले 2 वर्षों तक काम किया। उन्होंने वार्टन बिजनेस स्कूल में MBA पूरा करने के लिए शैक्षिक ऋण लिया। उन्होंने महसूस किया कि शैक्षणिक ऋण चुकाने में उन्हें वर्षों लगेंगे और अंततः उन्होंने निजी क्षेत्र में शामिल होने के लिए 2010 में सिविल सेवा छोड़ दी। MBA पूरा करने के बाद वैष्णव भारत वापस आ गए और प्रबंध निदेशक के रूप में GE ट्रांसपोर्टेशन में शामिल हो गए। फिर वे सीमेंस में वाइस प्रेसिडेंट लोकोमोटिव्स एंड हेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी के रूप में शामिल हुए। 2012 में उन्होंने क्षेत्र छोड़ा और गुजरात में 3T ऑटो लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और VG ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना की। वैष्णव वर्तमान में भारतीय संसद के सदस्य हैं, जो राज्यसभा में ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने ओडिशा में बीजू जनता दल के सदस्यों की मदद से निर्विरोध राज्यसभा चुनाव जीता। वैष्णव को अधीनस्थ विज्ञान और याचिका समिति, साथ ही ज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वैष्णव ने संसद में तर्क दिया कि वर्तमान आर्थिक मंदी प्रकृति में चक्रीय है और यह संरचनात्मक मंदी नहीं है और मार्च तक इसके निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना है, इसके बाद ठोस विकास होगा। वैष्णव का दृढ़ विश्वास है कि देश के निर्माण का तरीका धन को उपभोग में लगाने की बजाय निवेश में लगाना है। वैष्णव ने 5 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में कराधान कानून संशोधन विधेयक 2019 का भी समर्थन किया है। उनका मानना है कि कर ढांचे को कम करने या युक्तिसंगत बनाने के कदम से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और भारतीय उद्योग का पूंजी आधार भी विकसित होगा। आगे का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि कर संरचना के विशेष शुक्तिकरण से कॉर्पोरेट्स को बनाए रखा और आय और भंडार अधिशेष में वृद्धि करने में मदद मिलेगी, जो अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक विकास की नींव रखेगी। इनके अलावा उन्होंने राज्यसभा में जहाज पुनर्चक्रण विधेयक से लेकर महिला संरक्षण तक के मुद्दों पर भी बात की है, ताकि उन मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। जुलाई 2021 में जब दूसरे मोदी मंत्रालय में कैबिनेट फेरबदल हुआ, तो वह रेल मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री बनाए गए। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से नीरज दवे की रिपोर्ट।